नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे हरी छत्तीसगढ़ की। तो अब अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में लगातार घमासान मचा हुआ नजर आ ही रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल भी इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को सेना के साथ एक भद्दा मजाक बताया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल से रुकी हुई भर्ती सरकार पूरी नहीं कर पाई है। अब केंद्र सरकार सेना में पेंशन भी खत्म कर देना चाहती है। ये योजना दूसरे देशों से लाई गई योजना है। सरकार वन रैंक वन पेंशन की योजना के बदले नो रैंक नो पेंशन देने को कह रही है। भारतीय सेना की धाक दुनिया भर में है, लेकिन मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है। में सबसे पहली बात यह है कि पानी नीचे जाने नहीं देते आप। वर्षा पानी गिरा छत में गिरा, छत से आंगन आया, आंगन भी कंक्रीट है, वहाँ मिट्टी है ही नहीं, और उसके बाद नाली में चला गया। आप सड़क बना दे जो ड्रेन टू ड्रेन कर रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा पानी, तो वाटर रिचार्जिंग होगा कहाँ से। और इसी कारण से यदि आप रायपुर शहर का देखेंगे, अभनपुर आरंग और मंदिर हसौद या धरसीमा, यहाँ के वाटर लेवल निकाल लीजिए और रायपुर शहर का वाटर लेवल निकाल लीजिए, तो अंतर इसलिए आता है कि वहाँ पानी भी गिर रहा है तो ज़मीन के नीचे जा रहा है, और इस कारण से वहाँ रिचार्जिंग हो रहा है। यहाँ तो ज़मीन के नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ड्रेन टू ड्रेन है, कंक्रीट है, तो कंक्रीट होने के कारण से पानी नीचे जा रहे हैं, उस कारण से वाटर लेवल यहाँ हाई, मतलब डेप्थ में 600-800 फीट में मिल रहा पानी। कड़ा निर्देश जारी करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग होने ने अग्निपथ योजना को मजाक बताया है। केंद्र सरकार सेना के साथ भद्दा मजाक कर रही है, सीएम बघेल का कहना। बता दें, सेना की पेंशन भी खत्म करना, जिस तरह से वो बता रहे कि वन रैंक वन पेंशन की बात को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार नो रैंक नो पेंशन की तरफ बढ़ रही है आगे। और ऐसे में अब लगातार सरकार की इस योजना अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष हमलावर है, और फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से हर जगह प्रदर्शन देखा ही गया है। रायपुर से ये तस्वीरें और जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। केंद्र सरकार को लेकर सीएम बघेल का ये बयान सामने आया है कि युवाओं के साथ अग्निपथ योजना का ये मजाक किया जा रहा है। तो ये खबर आपसे साझा कर रहे हैं रायपुर से जरीन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। जरीन, सीएम बघेल का ये बयान सामने आ रहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है, क्या अपडेट? जी, सीएम ने साफ कहा है कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से भद्दा मजाक है, क्योंकि पिछले कोरोना काल के बाद से सेना की भर्ती रोक दी गई है। प्रति वर्ष 50 से 60 हजार सैनिक भर्ती होते थे, वो नहीं हो रहे हैं, और सेना की पेंशन जो होती है 5 लाख से ऊपर का जो बजट है उसको कम करना है, इसीलिए उन्होंने सेना की पेंशन ना देना पड़े, इसलिए अग्निपथ योजना लाई गई है, ताकि एक बार में उनको 11 लाख रुपए दे के उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए। तो और पिछले जो 2 साल से भर्ती नहीं हुई है उस और जो रिटायरमेंट हुए हैं वो लगातार रिटायर हो रहे हैं, सेना में रिक्त पदों की तादाद काफी बढ़ गई है, इसकी वजह से सीएम ने कहा है कि एक मजाक किया जा रहा है नौजवानों के साथ। जब नौजवान 30 साल का होगा तो उसके सामने फिर से नौकरी ढूंढने की समस्या आन पड़ेगी, तो सरकार नौकरी दे नहीं रही है, पूरी तरह से ये योजना बिना विचार विमर्श करे, बिना किसी सेना अध्यक्षों की मंजूरी के आनंद फनंद में योजना बना दी गई है, और उसको देश के नौजवानों को थोप दिया गया है। कोमल जी, आज सीएम ने जो बयान दिया है ये काफी अपने आप में गंभीर बयान के तौर पे देखा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और वहीं रायपुर में ईब नदी के तट पर बने राधा कृष्ण मंदिर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दर्शन किया। आपको बता दें कि ये मंदिर कंवर समाज की ओर से बनाया गया है, ऐतिहासिक मंदिर है ये। यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर कंवर समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस अवसर पर सामूहिक विवाह और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह भी कराए जाते हैं। तो कंवर समाज की ओर से यह ऐतिहासिक मंदिर बनाया गया था, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन होता है। फिलहाल तो आपको बता दें सम्मेलन में लड़कियों की शादी कराई जाती है, मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। फिलहाल तो सीएम बघेल पहुंचे थे, ईब नदी के तट पर है राधा कृष्ण मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए सीएम बघेल पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर शिरकत की है, जहां इस दौरान जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड की गांव पतरा टोली सिंह दीवान के घर पर सीएम बघेल ने भोजन किया। इस मौके पर कुनकुरी विधायक यूडी मिंज भी सीएम के साथ मौजूद रहे। उस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सीएम बघेल पहुंचे थे, किसान अर्जुन सिंह दीवान के घर भोजन किया। भोजन करते वक्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम बघेल, जहां उनका स्वागत भी किया गया। तो प्रदेश व्यापी कार्यक्रम जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे, किसान अर्जुन सिंह दीवान के घर गए थे जहां उन्होंने भोजन भी किया है। फिलहाल तो आपको हम तस्वीरें भी कुछ साझा कर रहे हैं जब वो पहुंचे थे और भोजन करते वक्त की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटते जल स्तर पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लगातार घटते जल स्तर को लेकर इस बात पर जोर दिया कि कंक्रीट का इस्तेमाल कम से कम हो और जमीन को खाली छोड़े, तभी जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। हम लोगों को पानी बचाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो जमीन को खाली छोड़े तभी जल स्तर बढ़ेगा, कंक्रीट का इस्तेमाल करने को मना किया है। घटते जल स्तर पर सीएम ने चिंता जताते हुए ये तमाम बातें कही है। कम से कम कंक्रीट का इस्तेमाल करें ताकि जमीन को खाली छोड़ पाए और जल स्तर में इससे बढ़ोतरी होगी। कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है भाई। आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 65 साल में रिटायर होते थे। तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग ललायत हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है और उसकी लोहा मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 2 दिवसीय में राजनांदगांव के दौरे पर थे और ऐसे में इस दौरान उन्होंने तोरणकट्टा गांव में आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा प्रदेश सरकार स्टेडियम तक को पुताई नहीं करवा पा रही है और विकास के काम रुके हुए हैं। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब है।
इंडिया में कई काम अधूरे पड़े आपके समय जो मैंने जो काम छोड़ के गया हूँ, शायद इंतजार हो रहा है कि आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। ये कुछ नहीं कर सकता। भूपेश बघेल तो पोतवा नहीं सक रहा है भाई, पोता ही नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, आज कितनी अव्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, लोग रो रहे हैं। अरबों रुपया खर्च हो गया और उसके बाद भी व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है, ये दुखद है सबके लिए। सुन सत्र आ रहा है, कम समय के लिए है, मगर उसके बाद जितने मुद्दे हैं किसान के लिए, बीज का, खाद का, जिस प्रकार अघोषित कालाबाजारी से जिस प्रकार किसान परेशान है, दुगने कीमत में DAP लेने को मजबूर हो रहा है, ऐसे सारे मुद्दे हैं। लाइन ऑर्डर का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उठाएंगे। और सीधा आपको लिए चलते रायपुर, सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के पास उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब ये है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक तो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही, वो शादी कार्ड भी लिखेगा, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर, 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है, ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ भी जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग ललायत हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी धाक है और उसको लोहा मांगते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार की नीति है और इसकी तीनों सेना के जो चीफ हैं वो उसके बचाव में उसको बयान दिलवा रहे हैं, जबकि परमवीर चक्र जिन लोगों ने प्राप्त किया है, सेना के भूतपूर्व अधिकारी, बोले ये सेना के लिए घातक है। और सेना के लिए घातक है तो फिर समझ लो सीमा भी के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। आज रूस की क्या स्थिति है कि ठेके के जो सैनिक है उसके पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, ठेके के सैनिक हैं, चला नहीं पा रहे हैं, और इस कारण से यूक्रेन जो एक प्रकार से निहत्ता है उसे कब्जा भी नहीं कर पाए, लड़ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। आपके वहाँ हथियार से क्या होता है, चलाना भी आना चाहिए। और 6 महीने ट्रेनिंग आप करें, 6 महीने में तो आपको मार्च पास करना सीखना नहीं आएगा, लेफ्ट राइट पैर कितना उठना चाहिए क्या है उसको सीखते सीखते, और यूनिफॉर्म पहन दे सेना का भाई। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे तो रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी को लेकर कहा कि धान रकबा में नहीं और बल्कि दूसरी फसलें भी खरीदी जा रही हैं। पिछले साल भी सरकार ने 90 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की थी जो पूरे भारत में सबसे अच्छी कीमत पर खरीद हुई है और हमने किसानों को भी अच्छी कीमत दी है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि धान में कमी आ रही है, बल्कि रकबे में आगे और बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ नेशनल हेराल्ड को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दो संस्था आपस में पैसे का लेन देन करती हैं तो ईडी की इस पर नजर पड़ जाती है और इस पर सवाल जवाब कर रही है, लेकिन जब नीरव मोदी, माल्या और ललित मोदी जैसे लोग देश के हजारों करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं तब BJP सरकार क्यों बयान लेने के लिए हिम्मत नहीं कर पाती। इस वक्त हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। हम मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है कि धान का रकबा काफ़ी कम होते जा रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, कम नहीं होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ़ी और धान की कीमत 2500 रुपये देने के बाद हर साल रकबा लगभग 4 लाख हेक्टेयर बढ़ता है। हम लोगों की कोशिश है कि धान के बदले जो हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, अरहर, दलहन सबको शामिल किया है उसका रकबा बढ़े, तो हमारी कोशिश है कि जो अतिरिक्त रकबा किसानों का बढ़ता है वो कम से कम वैकल्पिक फसल जिसके लिए हम लोग 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, उधर बढ़ना चाहिए और इस जो बढ़ने वाला रकबा है 4-5 लाख वो कम हो जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। पिछले साल भी हमने 98 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की और पूरा हिंदुस्तान में धान की कीमत जो हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश जहां प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं
वहाँ किसानों को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जा रहा है, इसलिए रकबा बढ़ेगा और इस साल हमारा टारगेट भी बढ़ने की संभावना है। मेरा एक सवाल है नेशनल हेराल्ड को लेके कि राहुल गांधी पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस की रणनीति अभी तक क्या सबने देखी, आगे की रणनीति क्या है इसके बारे में? पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से, 10,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया, उसको बयान लेने और पकड़ने की हिम्मत केंद्र सरकार में क्यों नहीं है? 1,000 करोड़ लेके माल्या भाग गया, उसको पकड़ने की हिम्मत मोदी जी में क्यों नहीं है? ललित मोदी 1,000 करोड़ की अफरा तफरी करके लंदन में जा बैठा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कुछ नहीं करती? एसोसिएट जनरल भी प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित संस्था है, यंग इंडिया भी कांग्रेस की संस्था है, दोनों कांग्रेस की संस्था 90 करोड़ रुपये का इंटरचेंज किया, उसमें 5 दिन तक पूछताछ। तो देश जानना चाहता है कि आखिर बदले की भावना से इस प्रकार राजनीति कब तक चलेगी? तो कांग्रेस की संस्थाएं आपस में 90 करोड़ रुपए का लेन देन कर लेती है तो ईडी की नज़र में आ जाती है, और कई ऐसे मामले हैं जो ईडी की नज़र में आना चाहिए लेकिन उन पर मोदी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, यही कहना है मंत्री रविंद्र चौबे का। उन्होंने बेबाकता से अपनी बात रखी। मैं अपने सहयोगी आरिफ के साथ जरीन सिद्दीकी, रायपुर से जनसन टीवी के लिए। और छत्तीसगढ़ के 382 हाजी मक्का मदीना की हज यात्रा के लिए लोग मुंबई से रवाना हुए। बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी हज यात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की दुआ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल के बाद हाजियों को हज यात्रा जाने का मौका मिला है। खुशी की बात है ये कि इस साल हज यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था उन सभी लोगों को मक्का मदीना की यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला है। और खबर कोरबा से है जहां सरकार तोहर द्वारा कार्यक्रम के तहत करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत नोन बिर्रा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एक ही दिन में 11,671 लोगों को पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड शिविर स्थल में ही बनाकर ग्रामीणों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी रानू साहू ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों के घर घर तक पहुंचकर सर्वे कर नागरिकों की अलग अलग समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों को पहले छोटी छोटी सुविधाओं के लिए दूर दूर तक जाकर कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब शिविर के माध्यम से एक ही जगह पर सभी शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार तुहर द्वार शिविर आयोजित किया गया है और मैं बताना चाहूँगी कि शिविर में 11,000 से भी अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया है, जिसमें 3,000 तो राशन कार्ड से संबंधित ही हितग्राही हैं। इसके अलावा लगभग 800 हितग्राही जो है राजस्व विभाग के हैं, जिनके नामांतरण, बंटवारा, पौती ये सभी प्रकरण का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार से सहकारिता, कृषि विभाग, श्रम विभाग, ट्राइबल विभाग, एजुकेशन विभाग, इन सभी विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा गृह समाधान शिविर है सरकार तुहर द्वार, ये शिविर स्थल पर हम लोगों को लाभान्वित करते हैं, जैसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देना, राशन कार्ड देना, लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना, हेल्थ के उनकी जाँच करना, ये बाकी अन्य शिविरों से बिल्कुल पृथक है। इस शिविर में हम शिविर से 15 दिन पहले ही हितग्राहियों को चिन्हांकित करते हैं डोर टू डोर सर्वे करके। और कोरिया जिले के जनकपुर में घर के सामने खड़ी कार को चोरी कर उत्तर प्रदेश ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी गई कार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ पर पता चला कि आरोपी कार को चोरी कर कानपुर हाईवे के सूर्या के पास छुपाया है और पुलिस ने चोरी की हुई कार को बरामद कर लिया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पर प्रार्थी शिवाकांत जिसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19/6/2022 को रात्रि 10:30 बजे अपने नए मकान जनकपुर में हनुमान के पीछे सोने के लिए गया, जब सुबह 6:30 बजे सोकर उठा तो देखा कि उसकी कार वहां पर उपस्थित नहीं थी, तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया लेकिन वहां पर कार का कुछ पता ही चल पाया, जिस पर से उसने थाने वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसमें संदेही आरोपी योगेश उपाध्याय को तलब कर
पूछताछ किया गया, जिसके मेमोरेंडम के आधार पर उसने बताया कि मैंने रात्रि के 12:30 बजे कार को चोरी किया है और जिसे कानपुर इलाहाबाद मार्ग में सूर्या ढाबे के पास रखा है। जिसके आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीम रवाना कर कानपुर इलाहाबाद मार्ग से गाड़ी को जब्त कर वापस लाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया। और मानसून आने के बाद कोरबा में जमीन पर रेंगने वाले जहरीले कीड़े मकोड़ों और सांप का खतरा बढ़ जाता है। आए दिन शहर में सांप निकल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल जज के घर से सामने आया है, जहां रामपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय के सिविल जज अपने घर पर शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी में थी, तभी उनके घर पर जहरीला सांप घुस गया। घर में सांप की मौजूदगी से जज का पूरा परिवार दहशत में आ गया। हालांकि समय रहते सपेरे ने सांप को रेस्क्यू कर लिया, इससे एक बड़ा हादसा टल गया। इसके साथ ही सपेरे जितेंद्र सारथी ने सभी आमजनों से निवेदन किया कि जब भी घर में सांप निकले जल्द ही उन्हें जानकारी दें। कोरबा जिले में गांव ढेलवा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कथन ने बताया कि वो उसको पड़ोस गांव के एक लड़का के साथ सभी परिस्थिति में पाए जाने पर हथौड़ा से सिर में मारकर उसका हत्या करना स्वीकार किया है और उसके निशानदेही पर घटना में उपयोग किया गया हथौड़ा और एक सील लोढ़ा का भी तो जब्त किया गया है और आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर आज थोड़ा भेजा जा रहा है। और बलरामपुर जिले के झारखंड सीमा पर बसे नक्सल प्रभावित आधा दर्जन गांव में 4 महीने का राशन पहुंचाने के लिए टीम लग गई है, जहां एक साथ 4 महीने का राशन पहुंचाने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निर्देश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम इस काम में जुट गई है। बता दें कि बरसात के दिनों में लोगों को राशन नहीं मिल पाता, इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और इस परेशानी को देखते हुए खाद्य मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। 15 लाख के लिए मैंने खाद्य मंत्री जी को निर्देश आया है कि 4 महीने का राशन जो है वहाँ के लोगों को पहुँचाया जाए, तो इसके लिए खाद्य विभाग को निर्देश दे दिया गया है और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बारिश के पहले 4 महीने का राशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।